सुप्रभातम, नमस्कार, जय सीताराम। आज हम अयोध्या राम जन्मभूमि की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और आज हम आपको लेकर चलेंगे कार सेवकपुरम, जहां भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है कई वर्षों से। पावन नगरी अयोध्या आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये द्वार अभी हमने पार किया, सूर्य देवता भी अभी अपनी लालिमा के साथ प्रकट हुए हैं। इस नगरी को एक अपना प्रकाश मय करने के लिए चलिए निर्मल रतनलाल वैद्य के साथ आज आपको कार सेवकपुरम मंदिर निर्माण में जो जो कार्य हो रहा है उसकी जानकारी देते हैं। अयोध्या नगरी में देखेंगे अधिकतर घर जो हैं वो पीत कलर यानी कि पीले रंग में रंग दिए गए हैं। सच में जिस प्रकार से जयपुर गुलाबी नगरी है, अगर हम अयोध्या को इसी प्रकार से एक थीम देके कलर देकर, ये देखिए कितनी सुंदर लगती है। ये एक विशेष बात जो इस बार मुझे देखने को मिली, तो इसके लिए योगी जी को हार्दिक धन्यवाद। ओम सूर्याय नमः। सूर्यवंशी भगवान राम दशरथ नंदन की नगरी आप अयोध्या नगरी की सफाई देख सकते हैं। 90 के दशक में जब मैं आया था तब बहुत ही खराब स्थिति थी। पहली बार जब मैं आया था शिलान्यास के समय मेरा यहां आना हुआ था, उस समय मैं स्वतंत्र पत्रकार के रूप में छायाकार के रूप में कार्य करता था और यहाँ की बहुत सी तस्वीरें देश भर के अखबारों में मैगजीन्स में छपी थी मेरी। यादव का नाम ले लिया? नहीं नहीं, उसे हमारे साथ करुणेश शुक्ला जी हैं जो अधिवक्ता हैं उच्चतम न्यायालय के, पंचमुखी हनुमान गुजराती मंदिर। अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं और हमारे सारथी हैं ब्रजेश यादव जी, ये हमारे साथ हैं। नमस्कार ब्रजेश जी, आप हमें आज यहाँ लेकर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। पंचमुखी हनुमान गुजराती मंदिर से हम प्रवेश कर रहे हैं कार सेवकपुरम। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये करुणेश जी हैं। करुणेश जी, जय सीताराम। जय श्री राम। ये देखिए क्या भव्य कार्य, उसका पहला आप ये देख सकते हैं कितनी सुंदर कारीगरी की गई है। इस प्रकार से असंख्य
ये अभी कार्य इसमें होना बाकी है कुछ। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं। सर्वप्रथम ये देखिए, उस भव्य मंदिर का मॉडल हमारे सामने है। ये प्रवेश द्वार के सामने ही ये लकड़ी के द्वारा बनाया गया है, जो अभी मंदिर का निर्माण होगा। परमहंस श्री रामचंद्र दास जी महाराज ये सब वर्षों से जिसका निर्माण हो रहा है, कोटा स्टोन है जिसके ऊपर ये सब काम हो रहा है। इस पूरे क्षेत्र की रक्षा जो है हमारी वानर सेना कर रही है। क्योंकि अब बहुत सुबह सुबह हम आए हैं, यहाँ ये पत्थर काटने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को लाकर किस प्रकार से उसके ऊपर ये कार्य किया गया है हम देख सकते हैं। ये इतनी बड़ी शिलाएं और उसके बाद में मैं करुणेश जी से भी पूछूंगा, क्योंकि वो यहाँ सैकड़ों बार आ चुके हैं और राम जन्मभूमि का जो उच्चतम न्यायालय में केस चल रहा था, आप उसमें भी एक अधिवक्ता थे, और ये जो पूरे देश से एकत्र हुई है, मैं करुणेश जी से पूछता हूँ कि आप कृपया हमें ये बताइए, ये आपके पीछे जितनी भी हमारी ईंटें जो आई हैं इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी नमस्ते। ये जो आप देख रहे हैं, ये देश के जब एक आह्वान किया गया था विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कि आप सभी लोग एक एक ईंटा भेजिए, उस समय अमेरिका से, ब्रिटेन से, लंदन, अलग अलग जगहों से, पूरे विश्व से, और हर एक भारत के हर एक कोने से ईंट आए थे, जिसको आप लोग देख सकते हैं, जिसपे राम नाम अंकित है, अलग अलग रंगों में आप ये सब ईंट देख सकते हैं। ये देखिए, ये ईंट बंगलुरु से आए। हॉलैंड से यही हम ये देख सकते हैं, किसी ने मार्बल की ईंट है। प्रत्येक प्रदेश से, राजस्थान से लेकर भारत में शायद ही कोई ऐसा प्रांत शहर होगा जहां से इस प्रकार से ये ईंटें आई हों। ये सब मंदिर निर्माण में, नींव में लगेंगी, करोड़ों भारतीयों का, सनातन धर्मियों का। अरे वाह, ये देखिए कितना सुंदर।
हमारे पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश पुलिस के यहाँ व्यवस्था में और उनके साथ हमारी वानर सेना भी यहाँ। एक कल रोचक बात मुझे करुणेश जी ने बताई। करुणेश जी, कल आपने जो बताया कि यहाँ काफ़ी लोगों ने जो हमारे सनातन धर्म के दुश्मन हैं उन्होंने यहाँ कुछ बम प्लांट किए, कुछ प्रेशर कुकर में प्लांट किए, तो उनसे रक्षा किसने की? देखिए, ये कुछ यहाँ पर भी हनुमानगढ़ी मंदिर के पास में भी और राम जन्मभूमि में भी इस तरीके के बार बार आतंकी घटनाएं उस समय में हुआ करती थी। और उस उन लोगों ने एक बार ऐसा था कि प्रेशर कुकर में एक समय में टिफिन में करके बम ला करके उधर रख दिए, लेकिन हमारे बानर सेना ने उसको खोला और उधर ही निकाल के सब खत्म कर दिए। मतलब उन्होंने जाके उन्होंने ही पूरे बम निरोधक डिफ्यूज कर दिए बम को। इससे पहले कि निरोधक दस्ते वाले आते, हमारे वानर सेना ने बहुत सारे यहाँ पर जो बम थे वो डिफ्यूज किए, उनकी तारें निकाल दी। ये सचमुच में ईश्वर की कृपा है। एक पूरा चक्कर हम यहाँ लगा चुके हैं जहाँ ये सारी मंदिर निर्माण की अलग अलग चीजें रखी हुई हैं। ये देखिए, ये देखिए, एक बहुत ही सुंदर भव्य घंटा यहाँ रखा हुआ है और यहाँ बहुत सारी चित्र प्रदर्शनी भी है अलग अलग समय की। राम सेतु के बारे में जानकारी पूरे देश में, जहां जहां भगवान राम गए थे, चाहे उनका विवाह स्थल हो, मां जानकी का जन्म स्थली हो, धनुषकोटि हो, ताड़कावध हो, गोमती नगर के किनारे ब्रह्म हत्या से बचने के लिए श्री राम ने गोमती किनारे यहाँ यज्ञ किया था, ब्राह्मणों को दान दिया था। ये देखिए, बहुत ही अच्छा संकलन है पूरे देश में राम से जुड़े हुए जितने स्थल हैं उन सबको आप देख सकते हैं। संजीवनी बूटी लेते जाते समय हनुमान जी ने काल नेमी राक्षस का यहाँ वध किया था। जहां जहां वनवास काल में प्रवेश प्रवास किया उनके बारे में जानकारी, दशरथ कुंड, सीता की पहाड़ी, अद्भुत लिपि, इस प्रकार से चित्र में झलक श्री राम वन गमन स्थल प्रदर्शनी में आप सबका स्वागत है। यहाँ ढेरों चित्र हैं भगवान राम के बारे में। आ जाता है जहाँ चाहता है वहीं रहता है। करुणेश जी को चाय की तलब लगी थी, क्योंकि मैं सुबह चाय नहीं पीता, तो यहाँ इनकी व्यवस्था हमारे पुलिस कर्मियों ने कर दी। आपकी भी धन्यवाद जी आपका। इस तरह से पूरा मैंने अवलोकन करा दिया, जो सब शिलाएं यहाँ रखी गई हैं मंदिर निर्माण के लिए। मैं निर्मल रतनलाल वैद आप सबको इसी प्रकार से जानकारी देता रहूँगा। एक और दिखाना कुछ रह गया यहाँ पर। ये जो इस आंदोलन में जो शहीद हुए थे कोठारी बंधु, उनके चित्र हैं, बजरंग दल से आए थे। इसी प्रकार से
मैं आपको कुछ और जानकारी यहाँ देता हूँ। सम्राट विक्रमादित्य ने श्री राम जी की जन्मभूमि पर इस विशाल मंदिर का काले पत्थर से कलापूर्ण 84 खम्भों पर मंदिर का भव्य निर्माण किया था। बाबर जिस समय अयोध्या आया था उस समय जन्मभूमि पर महात्मा श्यामानंद जी प्रमुख थे, उच्च कोटि सिद्ध संत थे तथा ऊंच नीच की भावना से मुक्त करके उनके शिष्य बन गए। यहाँ विस्तृत जानकारी मिलेगी आपको। बाबर को मंदिर तोड़ने के लिए कैसे विवश किया जाता है, दो फकीर थे जिन्होंने राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा को देखकर, इन दोनों फकीरों ने सोचा कि मंदिर के स्थान पर मस्जिद खड़ी हो जाए तो भारत में इस्लाम की धाक जम जाएगी, इसके विस्तार का आधार मिल जाएगा। दोनों ने बाबर को मंदिर तोड़ने के लिए विवश किया था। बाबर मीर बांकी को मंदिर तोड़ने का आदेश देता है। हुक्मनामा शाहजहां हिंदू मलकियत, जहां बाबर ने हुक्म से हजरत जलाल शाह अयोध्या में राम जन्मभूमि के इसी स्थान पर उन्होंने हुक्मनामा जारी किया था और मंदिर तोड़ने के लिए 176,000 हिंदुओं का बलिदान भी हुआ था। बाबर भक्तों के विरोध के कारण बाबर की सेना मंदिर के अंदर नहीं जा सकी थी, तब तोपों के गोले से मंदिर को तोड़वा दिया गया। फकीर जलाल शाह ने हिंदुओं के खून से गारा बनवाकर मस्जिद की नींव बनवाई थी। कितने निर्दयी थे वो लोग। को रोचक जानकारी मैं आपको देता हूँ। बाबा रामचरण दास एवं अमीर अली को फांसी दी गई थी। हिंदू समाज के प्रमुख बाबा रामचरण दास और मुसलमानों के नेता अमीर अली के प्रयास से अयोध्या फैजाबाद के मुसलमानों ने सर्वसम्मति से श्री राम जन्मभूमि को हिंदुओं को देने का संकल्प किया, जिससे एकजुट होकर अंग्रेजों से लड़ा जा सके। अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके दोनों को बागी घोषित कर कुबेर टीला पर इमली के पेड़ पर लटकार कर फांसी दे दी गई थी। ये उस समय का चित्र है जिससे अपने को ये सारी जानकारी मिल रही है। समय समय पर यहाँ असंख्य लोगों ने बलिदान दिया। पंडित देवी दीन पांडे का बलिदान, रानी जयराज कुमारी का बलिदान, ये देखिए माननीय अशोक जी सिंगल कार सेवा में घायल, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ भी देखिए संगमरमर की कारीगरी, वो शिलाएं रखी हैं सुरक्षित अंदर। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना भव्य मंदिर का निर्माण होगा। कितनी बड़ी संख्या में इस प्रकार से मैं निर्मल रतनलाल वैद्य पुनः आपको लेके आऊंगा और समय समय पर मंदिर निर्माण की जानकारी मैं आपको दूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं आप मुझे लिखिए, मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम, जय श्री राम।